जबान की क्या अहमियत है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी अब्बा। आओ मेरे साथ। आओ अम्बा, जल्दी करो अम्बा, मैं सब इंतजाम करके आई हूँ। वक्त जाया नहीं करना, वक्त बहुत कीमती है। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहती हूँ। ये दरवाजा बंद कर दो। महाराज, यही वो अम्बा है, ये अम्बा है। तारा ने महारानी कलावती के खून से अपने हाथ रंगने वाली सरी नगिन, शायद तुझे ये अंदाजा नहीं कि अब शिव तक तुझ पर कहर बनकर बच सकती है तो बच। जहरीली औरत अब तो शिव तत्व के कहर के तपिश में चलकर राख हो जाएगी। मौत तो तुझे शिव तत्व देगा, लेकिन मरने से पहले जहरीली औरत शिव तत्व को इतना पता जा कि तू शिवदत्त से किस बात का बदला लेना चाहती है। अरे वो तो मैं तुझे बताऊंगी ही शिवदत्त, लेकिन मुझे मारने में कामयाब होने का यश न तो तुझे मिलेगा न तो इस दगाबाज औरत को। अरे तेरे सीने में सुलगता हुआ इंतकाम का ये ज्वालामुखी तो अभी कुछ ही पल पहले फटा है, लेकिन मेरे सीने में सुलगता हुआ ये इंतकाम का ज्वालामुखी फटे 20 साल हो गए हैं, और इन 20 सालों में मैंने कभी ज्वालामुखी को ठंडा नहीं पड़ने दिया। पल पल जलती रही मैं इंतकाम की आग में, क्योंकि मैं जानती थी एक न एक दिन वो लम्हा जरूर आएगा मेरे इंतकाम का, और आज वो लम्हा आ गया है। शिवदत्त, ये तेरे इंतकाम का लम्हा नहीं बल्कि तेरी मौत का लम्हा इस जहरीली औरत जिस तरह शहर शहर को मारता है, आज शिव तत्व का शहर तेरे शहर के सर चढ़कर तेरी मौत बनेगा। मर तो मैं उसी पल गई थी शिवदत्त, जिस पल तुमने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया था। मर तो मैं उसी पल गई थी जिस पल तुमने मेरी माँ की हत्या कर दी थी, जिस घर ने इस अनाथ को पनाह दी उस घर को भी तबाह कर दिया तुमने, मेरी बहन को मारकर फिर एक बार मार दिया तुमने मुझे, लेकिन मैंने दोबारा जन्म लिया। हाँ, दोबारा जन्म लिया मैंने, एक विष्कन्या के रूप में तब्दील कर दिया मैंने अपने आप को, और एक ही मकसद से अपनी जिंदगी की राह पर चलती रही, और वो मकसद है तुम्हारी मौत। शिव तक को मारने का तुम्हारा ये मकसद तुम्हारे ही गले में फंदा बनकर तुम्हारी जान लेगा। कलावती के बदन से बहते हुए खून के हर एक कतरे की सौगंध शिव तक तुम्हारे जहरीले खून को पाकर अपने इंतकाम की आग को बुझाएगा। नहीं बुझा पाओगे तुम उस आग को शिवदत्त, जिसमें मैंने तुम्हें यूं सुलगता हुआ छोड़ दिया है। मेरा खून बहाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, छीन लिया तुम्हारी कलावती को हमेशा के लिए तुमसे। अब तुम उसकी जुदाई की आग में जिंदगी भर जलते रहोगे। अपनों से जुदा होने की पीड़ा जैसे मैं सिसक सिसक कर जी रही हूँ, उसी पीड़ा में तुम्हें सिसक कर जीना होगा। तुम्हारी तो ये हालत होगी शिवदत्त, कि न तुम जी सकोगे और न तुम मर सकोगे। तुम्हारी इस हालत से तुम्हें रिहा कर सकती है तो सिर्फ तुम्हारी मौत, और अम्बा तुम्हें मार कर तुम पर ये एहसान कर देगी शिवदत्त। अम्बा, 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 अम्बा।
चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। तेरा हर बार खाली जाएगा जहरीली औरत, कलावती के साथ तूने जो कुछ किया उसका बदला दिए बगैर शिव तक मरेगा नहीं। यस! जी महाराज, फरियाद मरी जहरीली नागिन एक विश्वकन्या थी, ये बदला लेने की भावना से कभी बाज नहीं आती। तारा, शिवदत्त के फैसले में दखल अंदाजी करने की गुस्ताखी आज के बाद नहीं होनी चाहिए, यह तुम्हें चेतावनी आए। आज एक जहरीली नगिन को शिवदत्त ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पैदास कुछ कीजिए, हकीम जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, महारानी को बचा लीजिए वरना नष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए पंडित जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। हकीम साहब प्याला लाइए। ले लीजिए। खून से इतना जहर निकल चुका है, पता नहीं उनके जिस्म में और कितना जहर बाकी है। चल, चंपा का लेप तैयार है, फौरन लेकर आओ। ये प्रकोप क्या होगा, मुझे फौरन महाराज को खबर देनी चाहिए। महाराज, जैसे ही महारानी के कत्ल के बारे में सुना मेरा तो होश उड़ गया। महाराज, अगर महारानी को कुछ हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, महाराज, पंडित जगन्नाथ की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद महारानी पे कासिलाना हमला, महारानी पे, महाराज अगर ये पंडित जगन्नाथ की कारस्तानी नहीं है तो भी पंडित जगन्नाथ की सुरक्षा प्रबंध और उनकी जिम्मेदारी में एक भयानक कमी रह गई। अब तो ये बात पंडित जगन्नाथ के खिलाफ महाराजा शिवदत्त के दिमाग में डालने के बाद चुनारगढ़ का सबसे मजबूत खंभा पंडित जगन्नाथ साबूत नहीं बचेगा, भरभरा कर गिर पड़ेगा। यक महाराज, लगता है कि नष्ट होने वाला है। कैसी है महारानी? महाराज, उनके हाथ बहुत नाजुक है,
और उनकी यह हालत की जिम्मेदार तुम हो पंडित जगन्नाथ। इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना सख्त पैरों उसके बावजूद महारानी पर कातिलन हमला, तुम्हारा सारा इंतजाम नाकाम हुआ। तुमने महारानी की सुरक्षा में कोताही की है पंडित। महाराज, मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं। गलती मेरी है और इसका मुझे दुख भी और पश्चाताप भी। पश्चाताप? पश्चाताप इस खतरनाक हादसे का उत्तर नहीं है पंडित जगन्नाथ। तुम्हारी सुरक्षा में जो भी खामी हुई है उसके बारे में शिक्षक तुमसे बाद में बात करेगा। कलावती, आंखें खुलो कलावती। ये नहीं हो सकता कि आपको कुछ हो और शिवदत्त जिंदा रह सके। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। वैद्यराज, क्या यही तुम्हारा इलाज है? हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं महाराज। कोशिश नहीं वैद्यराज, शिवदत्त को कलावती की जिंदगी चाहिए। जिंदगी? जी महाराज, लेप लाओ। अरे ये नहीं, जहर मुरा लाओ। कलावती, आपके जिस्म में बहते हुए लहू की तपिश आपका ये शिवदत्त महसूस कर रहा है। आपके लहू की तपिश इस बात का सबूत है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हो सकता है। शिवदत्त से आपको कुछ नहीं सकता, कोई नहीं। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? चले जाओ। शिवदत्त जानता है कि उनकी महारानी बिल्कुल ठीक है, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये मुंह लटकाए खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुम लोगों को महारानी की धड़कनों की गूंज सुनाई नहीं देती? इनके नफ्स की रफ्तार क्या तुम लोग पहचान नहीं सकते? क्या इनकी सांसों की गर्मी तुम लोग महसूस नहीं कर सकते? महारानी की सांसें चल रही महाराज, मगर हर लम्हा नब्ज उनकी हल्की होती जा रही है। महारानी के खून से हमने पूरा जहर निकालने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब जहर खून में मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। और फिर महारानी का? महारानी का क्या? वैद्यराज, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि महारानी का जिंदा रहना मुश्किल है? क्या इलाज करोगे महारानी का तुम लोग? जाओ जाकर अपना इलाज कराओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ। और छोड़ दो शिवदत्त को अपनी महारानी के साथ अकेला। चले जाओ। पंडित जगन्नाथ, कलावती को शिवदत्त से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। कलावती, देखा पंडित, देखा, कलावती जीवित है। इनकी सांसें, इनकी धड़कनों ने अभी अभी जो दस्तक दिया है वो क्या सुना तुमने? हाँ महाराज, ये दैवी चमत्कार है महाराज। ये क्या? आंखें खोलो पंडित जगन्नाथ, ये खामोश क्यों हो गई? महाराज, जब आदमी के अख्तियार से सारे इल्म और इलाज खत्म हो जाते हैं तो केवल इबादत और प्रार्थना ही। प्रार्थना? हाँ महाराज, अब आपको भी वही करना होगा। प्रार्थना? क्या तुम होश में नहीं हो? मैं होश में हूं महाराज, और इसीलिए प्रार्थना के जरिए आपसे दैवी शक्ति को जागृत करवाने का आग्रह कर रहा हूं। महारानी कलावती को इस समय इलाज नहीं, केवल दैवी शक्ति बचा सकती है। शिवदत्त ने आज तक किसी भी मंदिर के दहलीज पर कदम नहीं रखा है, और शिवदत्त का ये सर किसी भी देवी या देवता के सामने आज तक नहीं झुका। लेकिन महारानी कलावती के जीवन की खातिर आपको वही करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया महाराज। आपको देवी मां के सामने तहे दिल से गुजारिश करनी होगी। महाराज, दैवी शक्ति से सब कुछ संभव है। आपको महारानी के जीवन की खातिर वही करना होगा जो महारानी ने आपके जीवन की खातिर किया था। याद कीजिए महाराज, महारानी ने आपके जीवन के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने उस कठिन यात्रा में कितनी मुश्किलों का सामना किया था आपके जीवन के लिए।
और कुछ नहीं था, देवी माता का प्रताप ही था कि एक भक्षक घड़ियाल ने स्वयं महारानी की रक्षा की थी। यह महज एक इत्तेफाक था, यह दैवीय शक्ति का प्रताप नहीं था। तो क्या वो भी महज इत्तेफाक था जब सिद्ध पीठ पर महारानी पर कातिलाना हमला किया गया था? क्या वो दैवी प्रताप नहीं था? क्या वो होनी की शक्ति नहीं थी कि दुर्गा माता के वाहन ने स्वयं हम रावणों को नष्ट करके महारानी की जान बचाई थी? याद कीजिए महाराज, महारानी ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? पथरीली अड़चनों से गुजरी हैं वो आपके लिए, हथेली पर जलती हुई ज्योति लेकर अंधड़ों और तूफानों का सामना किया उन्होंने सिर्फ आपके लिए। आप किस दुविधा और असमंजस में है महाराज? जिंदगी से लड़ती हुई महारानी की महानता थी वो कि अपनी जान तक इन्होंने दांव पर लगा दी थी सिर्फ आपके लिए। महाराज और मंदिर, ये तो कभी देखा नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक महाराज को मंदिर के आते में आते कभी नहीं देखा। क्या बात है, आज महाराज के साथ ना अय्यार, ना अहमदार, ना कोई सिपाही। चलो चलो चलो। हालत गिरती ही जा रही है।